हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, लीब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर देख सकते हैं एक डेट मैंने लिख रखी है। अब ये डेट है, आज ही का डेट है, टुडे फॉर्मूला लगा करके हमने इसे हम इसे लेके आए हैं। तो यहां पर अभी हमको अगर इसमें से अगर हमको पता करना है कि 26 तारीख को कौन सा दिन है या था यह होगा, तो यहाँ पर टेक्स्ट का एक फॉर्मूला आपको मिल जाता है। यही फॉर्मूला आप एक्सेल में भी यूज करते हैं। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कॉमा लगाना है और अगर आपको डेट चाहिए तो आपको 4 टाइम प्रेस करना है डी, कुछ इस तरीके से 4 टाइम डी प्रेस कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए डबल कोट्स को क्लोज करने के बाद, और फिर अब आपको एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिलेटेड डेट पर कौन सा डे था ये आपके सामने आ गया है। इसी तरह से रिलेटेड डे पर आपको पता करना है कि कौन सा मंथ था, तो आप फिर टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए, कुछ इस तरीके से टेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी डेट को सेलेक्ट करना है, कॉमा देना है और कॉमा देने के बाद डबल कोट्स में लिखना है एम, कितने बार, 4 टाइम लिख लीजिए। ठीक है, ये 4 टाइम मैंने लिखा, ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले डबल कोट्स को क्लोज कर दिया, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, अब एंटर प्रेस कर दिया। तो यहां पर देख सकते हैं अगस्त आ रहा है। ठीक है, इसके बाद एट लास्ट अब मैं यहां पर फिर वही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं टेक्स्ट का, और अब फिर हम वही डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे और डबल कोट्स में क्या लिखेंगे हम, ईयर। तो ईयर के लिए 4 टाइम आप वाई प्रेस कर दीजिए, स्मॉल या कैपिटल आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने कैपिटल लिखा हुआ है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप कुछ डेट्स लेके आ जाते हैं, लाइक यहाँ पे कर देता हूँ 2020। ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट अलग हो जा रहा है, तो फॉर्मेट आपको सेम रखना है, ये बात ध्यान रखनी है कि फॉर्मेट आप सेम रखिएगा, 2/5/2020। अब ये देखिए ये फॉर्मेट सेम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको आप ड्रैग करवाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसी डेट पर कौन, मतलब ये जो डेट है इस डेट पर कौन सा दिन था, कौन सा महीना था, इससे पता चल जाएगा, और ईयर तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बहुत ही आसानी के साथ पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।